कॉन्टेक्ट करो ये पेशेंट्स क्यों खत्म है और आपके पास टाइम भी नहीं है। आप जब कोई आदमी ये कहता है पहले मैं भी बोलता अगर आपको काम बनाना हो किसी से तो बिजनेस पर्सन को वो कर लेगा ऐड करके और आप बोर को दे दोगे वो करेगा। इसलिए क्या होता है जो ग्रुप बन जाते हैं वर्कर्स में काम करते हैं आप लोग शायद नहीं जानते होंगे मेडिटेशन में और प्रेयर में क्या फर्क है। प्रेयर में You are trying to ask something from God. जो भी चीज हमको मांगते हैं उसे मांगते हैं, उसे मांगते हो अपनी बात के उसकी सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन जो मेडिटेशन है उसमें क्या है यू कनेक्ट विद दैट पावर एंड यू नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है अगर फादर साथ ही मिलता है तो अपनी सफा से कहता नहीं कहता लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वो जिस दिन को सुनाई पड़ने लगा उसी दिन आपके अंदर ये सब जो इम्प्रेशन है जो गड़बड़ी है जो रिएक्टिवनेस है ऑटो मोड में रहते हैं सारा रिएक्शन कर रहे हैं। मैंने जरा सा कुछ कहा आपने खुद जवाब दिया नो फ्रेंड रिस्पॉन्स करना रिस्पॉन्स में आपको अथॉरिटी है पावर है कि मैं कैसे कह रहा हूँ आपने मुझे गाली दी ठीक है मैंने रिस्पॉन्स कर दिया बैठे जब ये बात अच्छी होगी मैं भी दूँ आप भी देखो तुम हम लोग इनका इंतजार कर रहे थे और Welcome you all to the seminar on role of communication in public health. और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस टॉपिक पर सेमिनार के चेयरपर्सन और मॉडरेटर प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड फॉर्मर चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी President Association of Surgeons of India ASI 2012 and President of Lucknow College of Surgeons LCS. हमारे बीच में है श्री अशोक रामस्वरूप जी साउथ अफ्रीका से फॉर्मर सीनियर प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम डरबन साउथ अफ्रीका who has over 42 years plus experience with print and ethnic media in South Africa. So, we welcome we
have Mrs. Pat Ramsarup from South Africa, senior health experience with over 3 decades of experience in nursing specialty in South Africa. और हमारे बीच में मिताश्री घोष मैम हैं फ्रॉम फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ये बहुत रिग्रेसिव वर्क कर रही हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। वेलकम मैम। और अब मैं सेशन हैंड ओवर करता हूँ राहुल जी को। स्टार्ट विद ऑल योर्स। थैंक यू सो मच एंड आई ऑलवेज मैं अप्रिशिएट करता हूँ आई विल अप्रिशिएट फॉर दिस क्लीन इंडिया सेंटर अलीगंज इट हैज़ बीन कोलेबरेटिंग अस फॉर मेनी सोशल कॉज एंड वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट अलॉट अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू सो मेनी स्किल्स एंड सीइंग योर पोटेंशियल्स फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड योर फ्यूचर यू आर सीकिंग सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स वी हैव अमंग बॉबी रमा Khan. He also noted award-winning writer and a noted public health activist. So I think and very much involved with us and he is our mentor also. Whatever we have been doing in public health, in the field of public health, it is because of him and his inspiration. And I would ask Bobby ji, please come and take the sessions because he is very much connected with the public personalities we have here. Thank you so much. Don't worry, I'm not going to bore you a lot because we have very special guests here. Before Bobby introduces the guest and take the sense, Tribini, please, I would like to invite you to hand over the banquet to the expert. Ashok. So I will speak quickly in English and Hindi both because we have 2-3 legends here who have a lot to share in terms of leadership. ठीक है तो हम लोग के पास कई आज ऐसे मेहमान हैं 2-3 तो खास तौर से 3-4 दिख रहे हैं यहाँ पे जिनका बहुत अनुभव रहा है ज़िंदगी में और आज हम लोग का टॉपिक जो है लीडरशिप और ख़ास तौर से ज़िंदगी में लीडरशिप और किस तरह से चुनौतियों को से जूझना है और किस तरह से चुनौतियों को ओवरकम करना है इसके बारे में वो हमें बताएंगे सो वी हैव पीपल हु विल टॉक अबाउट लीडरशिप अबाउट हाउ टू फेस चैलेंजेस एंड ओवरकम देम Amongst them, we have Ashok Ramsarup, as it has already been said, he's an award-winning journalist. And you know, award from whom? From one of the very widely respected Gandhi activists, who is the granddaughter of Mahatma Gandhi, Ila Gandhi. Gandhi ji to Africa se, he came to India, but Ila Gandhi, unke family wahan jo reh gayi thi, to Ila Gandhi continued the struggle. Aur wahan kaun sa struggle chal raha tha? Apartheid ka struggle chal raha tha. Kole ka, gore kale ka struggle chal raha tha. तो इला गांधी जी जेल गई नेल्सन मंडेला के साथ उनके लड़के की हत्या हो गई अपार्टहाइड के स्ट्रगल में हर सन वॉज किल्ड इन द अपार्टहाइड स्ट्रगल शी वॉज जेल्ड विद नेल्सन मंडेला इन द स्ट्रगल इला गांधी इनवाइटेड अशोक रामस्वरूप एंड पैट रामस्वरूप इन द सेम प्लेस वेयर गांधी जी यू नो लेट दैट स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका दैट इज नाउ इवन टुडे इट इज देयर इट इज कॉल्ड गांधी सेटलमेंट आर हेड ऑफ CNS शोभा शुक्ला मैडम वॉज ऑल्सो देयर Dr. Ishwar Gilada, who is coming to Lucknow tomorrow, he was also there. And Ila Gandhi ji was there. And Ashok Ramsarup was awarded the Lifetime Achievement Award last year. He was also awarded by a US-based organization because of his work on peace issues in the South Asian region. Unko shanti ko leke bhi unko purskrit kiya gaya, khas taur se Dakshin Bharati, Dakshin Asia ke deshon mein. हाँ श्योर और वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अशोक रामस्वरूप पत्रकार की तरह वो ये सवाल उठा रहे थे कि बजट कहाँ पे जाना चाहिए जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उसको तो हम आज आपको मालूम है सबसे बड़ा जो कारण क्या है भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 70% मृत्यु होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हृदय रोग सबसे बड़ा किलर स्ट्रोक कैंसर डायबिटीज इनके जो खतरा बढ़ाते हैं वो तो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो तो हमारे आपके हाथ में है काफी हद तक हमारे आपके हाथ में है इन खतरा बढ़ाएं या कम करें
तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा लोग कैसे मर रहे हैं। तो अशोक राम स्वरूप जी ने की जो पत्रकारिता रही है, उन्होंने लीडरशिप ली अपने न केवल SABC में, न केवल संडे टाइम्स में, बल्कि और भी पत्रकारों को कन्विंस किया कि वो इन इश्यूज पे करें। सो विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम आई विल हैंड ओवर बिकॉज वी हैव अ फॉर्मल चेयर ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोफेसर रमाकांत जी। सो डॉक्टर साहब प्लीज नाउ द सेशन इज ऑल ओवर टू यू ओवर लीडरशिप एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। I was already telling you about the legendary figures sitting before you, and both Mr. Ashok Ramaswamy and also Pat Ramaswamy. Right? Now, the important thing is that, as Bobby said to you, very important, I was talking about this, Ashok, we keep on talking in our language also, so that some of them who do not understand English well, they will also follow. We want that they should be fully packed and charged today with Pat. So, ये बात बताना मुझे चाहिए था कि प्रोफेसर रमाकांत साहब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन हेड रहे हैं, सर्जरी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं भारत के, और उत्तर प्रदेश से बहुत कम ऐसे सर्जन हुए, एक दो हुए शायद, जो ऑल इंडिया सर्जन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे प्रोफेसर रमाकांत। भारत के पहले सर्जन थे जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के डायरेक्टर जनरल ने अवार्ड किया 2005 में, और उनका काफ़ी नेतृत्व रहा है, ना केवल सर्जरी में बल्कि आप पब्लिक हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, आप कई उनको कई अलग अलग रूपों में देखेंगे कि वो लगे हुए हैं कि जिससे बेहतर एक अच्छा पीसफुल समाज बने। डॉक्टर सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इम्पोर्टेंट कि आज एक लेसन सीख के जाओ बस कि कम्युनिकेशन हमारा इतना बढ़िया क्या होता है, लोगों में डिफरेंस क्या है। You'll find कि एक आदमी कम्युनिकेट करना शुरू करता है और आप उसके चले जाते बैठते ही नहीं वहाँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग मजबूरी से बैठे लेकिन मोस्ट ऑफ यू मैं समझता हूँ अपने इंटरेस्ट से बैठे। आप सुन पा रहे हैं एंड तक आपको? अच्छा ठीक, थैंक यू। तो हमें क्या सीखना है, बाकी तो कभी दोबारा फिर आऊंगा आपके पास तो मैं बात करूंगा जो हम लोग बात कर रहे थे। अगर हम सब इतने लोग जो बैठे हुए हैं इनके अंदर ये सिस्टम किसी तरह डाल पाते कि हम में से कोई आदमी अब रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हमें कोई कहे, अब रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करना एनिमल ट्रेट है। आप कुत्ते को लात मारेंगे क्या करेंगे, काट लेगा आपको। बट ऐसे लोग हुए हैं, इनका नाम सुन चुके हैं गांधी जी का, एक उनके दाल को चपत मारा उन्हें क्या कहा, उससे किसी का मर्डर तो नहीं हुआ ना, कोई लड़ाई तो नहीं हुई, और यू सॉ थिंग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आज एक बात बड़ा लेसन देने हम लोग आए हैं, सब बड़ी पब्लिक बड़ी उम्मीद है कि आप इनके लेक्चर से बात करते और क्लियर समझते। मैं अगर डॉक्टर एक चीज देखता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर आपने तरह तरह के देखे होंगे, कुछ लोग बड़े बिजी लगते हैं देखने में, उनके पास टाइम ही नहीं बात करने का, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पेशेंट को वहां से बात करी उसको छुआ भी नहीं हो गया इलाज, कुछ होंगे जो बड़े गंभीरता से मरीज को सुनते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी करते हैं। अब चूंकि हम लोग कोई मैं पावर पॉइंट यूज नहीं कर रहा हूँ, दिखा था आपको प्रेस्क्रिप्शन कभी कभी डॉक्टर क्या कैसा लिखते हैं कि वो लैंग्वेज हम अपनी लिख देते हैं, 2 tablets HS। वो जानता है HS का मतलब क्या होता है। अब मरीज इतना डरा हुआ है डॉक्टर से कि वो पूछ पाता नहीं HS, बाहर जाकर वो पूछता है भैया HS का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है कि सोने के पहले, PC लिख दिया खाने के बाद, AC लिख दिया खाने के पहले। तो ये कम्युनिकेशन कहाँ फेल हो रहा है, हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए अपनी मेडिकल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। अपने राइटिंग से लिखने में क्या होता है कि अक्सर किसी में जल्दी में आप लिख दिया मरीज ज्यादा है, इसलिए क्या है कि आंसर इज वेरी सिंपल, क्या करना था हम लोग प्रिंट करके ट्रीटमेंट बना रखा है, आई हैव जस्ट टिक इट की ये ट्रीटमेंट लेना, आप पढ़ सकते हो, आप इंटरनेट पर डालकर समझ सकते हो। माई जॉब है कि आपकी बीमारी क्या है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके बाद उसका पॉसिबल सोल्यूशन इन ट्रीटमेंट क्या है वो कैसे करेंगे, और उसके बाद लेक्चर्स के अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उनमें कोई रिस्क है, कोई कॉम्प्लिकेशन चांसेस है वो भी बताना होगा, या सर्जरी करेंगे तो उसमें क्या कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, क्या इंसिडेंस है, अभी भी जरूरी है, कभी तो है ही
हमें देखना पड़ेगा कि इतने प्रेजेंस होती है। मैं ऑपरेट करता हूँ तो मैं पेशेंट कंसेंट लिखवाता हूँ कि मुझे ये बता दिया गया है कि इसमें 30% चांसेस दोबारा होने के होते हैं, 70% लोगों को दोबारा नहीं होता है, या 20% चांसेस है, 5% चांसेस है, राइट। इससे क्या है, सूचना उसे पूरी देना हमारा फर्ज है। इसी तरह क्या है कि हमेशा रखो, अब यहाँ हम लोग पास नहीं है, कभी मौका मिलेगा फिर तुम्हें दिखाऊंगा, एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा, रोल मॉडल बना के दिखाऊंगा आपको, रोल प्लेइंग कहते हैं कि मैं आपको प्रोवोक कर दूं किसी बात पे, आप एकदम जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या हुआ, याद रखो ये एनिमल ट्रेट है, इसीलिए एनिमल को हंसने की शक्ति नहीं दी गई। और जिसने जवाब नहीं दिया, शांत रहा, तो वो क्या हुआ, वो आदमी, और जिसने मुस्कुरा दिया उसके बाद समझ लो कि वो आदमी और भी बड़ा आदमी है। और जिसने दुआएं दे दी, तुमने गाली दी, उसने कहा खुश हो बेटा, आबाद रहो, ईश्वर तुम्हें बुद्धि दे, क्या क्या चला गया भाई जी, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि लाइफ भी अजीब सी चीज है कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन बहुत धक्के के बाद लेसन जो पहले सुनते थे, इस तरह की बात सुनाई जाती है, गए सब बकवास है, बेकार की बाहर निकले और जरा सा चीज छुआ अपना मानना शुरू कर दिया, और कैसे खत्म हुआ, लोग कहते हैं हमारे एक करने से क्या खत्म हुआ। आपने कहानी सुनी होगी कि स्टार फिश हजारों पड़ी हुई थी समुद्र के किनारे, और एक लड़का एक एक फिश को पानी में, इसका भी बेवकूफ क्या फायदा है, हजारों पड़ी हुई है तो मर जाएंगी, तो तू एक फेंकर तो उसका एक की जिंदगी बचाएगी, बिल्कुल फेंकूंगा मैं, और वो फेंकता रहा। ऐसे ही क्या है कि कभी मैं सोचिए कि अगर मैं सुधर जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं चुप जाऊंगा, वो आदमी को तभी बात करेगा, जोर से लड़ेगा, झगड़ा करेगा, तो इससे समाज नहीं सुधरेगा, समाज सुधरेगा, क्योंकि उनमें से मान लो सपोज हम लोग कहें बैठ के साथ के 7 अरब लोग हैं दुनिया में, तो 7 अरब में से एक तो कम हो गया, और एक का इन्फेक्शन सबको लग जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा मौका मुझे मिलेगा कभी ऐसे ही तुम्हारे साथ में, तो तुम सबको मैं अपने से बेहतर बना दूंगा, मैं नहीं बना दूंगा, खुद अपने आप बनना होगा, हम केवल आपको दिशा दिखाएंगे, अंधेरे में बैठे हो की बात कोई करता ही नहीं है। आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तुम्हारे लेक्चर्स के अंदर जीवन के ऊपर बात जरूर होगी, कुछ ना कुछ मैसेज एवरी लेक्चर में है, मैं एक ना एक स्लाइड दिखाऊंगा हाउ टू लिव, ये तो आप अपने आप सीख जाते हो हाउ टू लिव, बट हाउ टू लिव, और जिनसे कम्युनिकेशन के ही ऊपर सारा आधार है, आपका कम्युनिकेशन आपके दोस्तों से कैसा है, आपका कम्युनिकेशन एक डॉक्टर का पेशेंट से कैसा है। विल यू बिलीव कि अराउंड 38% मरीज डॉक्टर की बात को समझ नहीं पाते हैं, ये सब सर्वे हुई है, प्रेस्क्रिप्शन को बार बार देखते रहते हैं, बैठे हुए सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किसी किसी सब गलत है, हमें कैपिटल लेटर्स मिलना चाहिए, नहीं तो बेस्ट है कि आप उसको प्रिंट करके दे दीजिए। आजकल बहुत सारे जो अपडेटेड डॉक्टर्स हैं, दे आर जस्ट यू नो वर्किंग ऑन लैपटॉप, बाहर निकले रिसेप्शन में पहुंचे वहां प्रिंट आउट कर दिया। बट वॉट इज इम्पोर्टेंट कि हमें कम्युनिकेट करना है, वो जब घर जाए तो ये नहीं हो कि लोग समझा दे बैठे रहे तुम तो बेकार है, तो कोई फायदा नहीं है, उसे उम्मीद भी देनी है, और मिरेकल्स में होते हैं, ऐसा नहीं चमत्कार होते हैं। डियर फ्रेंड, एक्चुअली कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दैट यू अंडरस्टैंड, कि ये जान लो अच्छी तरह से कि चाहे वो आपको दिल जीतना हो, चाहे वो इलेक्शन जीतना हो, जैसे बॉबी ने कहा तो वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, और आप ही लोगों सबका की दुआएं थी कि वो 60 साल इलेक्शन जीत गया और पूरे कंट्री में से, क्यों, क्योंकि सारे कंट्री के इतने स्टेट से सब डॉक्टर थोड़े जानते होंगे, वोट हर एक को देना है, तो उनमें जीतने में क्या दिक्कत आती, बट एक चीज काम आई होती, कम्युनिकेशन, जहां गए वहां पे जिस किसी से मिले उस पे एक अमिट छाप छोड़नी जरूरी, उससे रिश्ता बन जाना चाहिए, ताकि वो कभी हमें देखे तो हुआ क्या, मेरे संग कोई लेबल नहीं लग पाया कि ये यूपीएन है, ये या नॉर्थ इंडिया का है, ये उसका है, उसका है, सबने का नहीं, रमाकांत इज बॉर्डरलेस, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबका है, उसका फायदा मिला तो छोटी सी बात हुई। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या, सबसे बड़ा जीतने की चीज क्या चाहिए, वह दिलों को जीतना, वो जी लेते हो तो एक नहीं जीत पाते जिंदगी भर, ट्रायल एक को भी नहीं जीत पाए, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन तुम्हारे दिल से निकल रहा है, एक नहीं, ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि एक नहीं हजारों लोगों ने ऐसा होगा जो मेरे बोलने के बाद पता नहीं क्यों अपने आप ही कहते हैं लोग बात, दिल से बोलता है, दिमाग से नहीं बोलता,
तो मैं ये सब चिंता नहीं करता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये लोग बैठे हैं, फला है, ये है, उनके सामने क्या, मैं जो सच है, जो दिल चाहती बात वही बोलूंगा, वही आपसे बात कर रहा हूँ। एनीवे, हमारी लोगों की बातचीत तो फिर भी हो सकती है। वी हैव यूटिलाइज द टाइम ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशियस पर्सन, एंड हियर इज सो एज आई टोल्ड यू, ही इज रियली अ स्टार अवॉर्डी, so many awards, he is humbled by those, I'm sure about it, he's a very down to earth man, and he will talk about the communication in healthcare. I told a very small example to you, prescription, operations, these things have to be told. Aap jab attendant ko bataoge details, you do not tell them details, then no problems are, but despite of that you tell everything, you get it signed consent and everything, there will be sometime problem occurs, because there are different types of souls. Ab apne body nahi bolna, sabko ye kehna ki there are all good souls or bad soul hoti nahi hai, because soul is directly connected to God, isliye sab soul sudhar sakti hai, the concept change karna hoga bas ki main Ramakant, main surgeon, ye sab to kuch nahi hai, to hamare kya hai, kapde hai bhai, kapde badal jate hain, soul nahi, aur kaun jaati hai, fir pata lag, fir se bachpan aaya tha, lekin soul ki memory khatam nahi hoti. तुमने इस जन्म में अगर मेरे संग बदतमीजी की है, तो वो सोल अगले जन्म में उसका उसका पूरा इनाम मिलेगा तुम्हें. इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते कभी कभी कि हम तो बहुत इज्जत देते हैं किसी को, हम तो बहुत प्यार करते हैं किसी को, लेकिन वो हमको बिल्कुल भी नहीं मानता, हमारे अगेंस्ट काम करता है, प्रभु करता है. क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इस सोल ने उस सोल को किसी और पास, हो सकता है वो आपका पति रहा हो, सकता है आपकी पत्नी रही हो, सकता है सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो ये नहीं चाहता कि सोल आ रही है जा रही है कुछ, सब सोल हो, राइट? तो फ्रेंड्स, विद वी आर फीलिंग ग्रेटली ऑनर्ड टू हैव दिस कपल हियर, एंड आई रिक्वेस्ट नाउ कट शॉर्ट द टाइम, एंड वी रिक्वेस्ट अशोक रामस्वरूप टू कम एंड डिस्कस विद यू कम्युनिकेशन स्किल, एंड आई एम श्योर what he told in Hindi also. Okay, so then rest assured we'll give you a full example. Ram Swarup, we are most welcome. Okay, please. South Africa, my Ashok Ramswarup, obviously born and brought up. Can you hear me? Can you hear me in the back? Lovely. Warm greetings again from Durban, South Africa. I have been a senior journalist, I'm a senior editor of a current affairs program called Newsbreak in Durban. And I'm accompanied by my wife, Pat, Brenda, and we on vacation. So this has come as a surprise to us all, and I'm deeply honored to be associated at this important function, I would say. And I want to say, one of the backbone of any economy is skills development and economy. If you don't have any skills in you, you are absolutely nothing. So let's embrace one another and shake hands as if I am your boss. How do you like that? Let's shake hands with everybody and become familiar as if you guys are working for me and I am your boss, okay? So we'll begin with leadership, communication, and the way forward, and some of the challenges that we have to meet as we go along. What I like to note is the first time that I heard from Mr. Khan and from Bobby and from Prof G as well, that
Narendra Modi had a very important subject, skills development. No way in the world I've seen this. No way in the world. I haven't seen this in South Africa, and I've seen this here. And to me, what better way can you support? I mean, someone who's got a vision for this country, especially for the youth and for the youngsters of today. So I would like to talk about leadership, and let's get straight into this whole thing. I'd like to say that leadership indeed becomes a challenging job on its own. If you don't have leadership, if you didn't come up to Mr. Khan and approach him and say, I want a skills development, and it's offered free of charge by Mr. Narendra Modi's government, you must take it with both hands. Don't take it with both hands. You're absolutely sweet, man. So I applaud Mr. Khan, who actually indicated to me when people come to him, people are battling for jobs. I've seen this in Lucknow the other day. Young boys, absolutely, I would say, uneducated, do not have any skills in them. And what job they're doing, menial jobs, serving a cup of tea. Look, I don't have nothing against that. But children at a tender age, serving you a cup of tea and earning a meager salary. Does that sound right? Yes. Or you want your child to go to school, learn, and become a better citizen so that they can contribute to this country's economy. Learn a skill right now. Learn it. It's offered free. So there's a golden opportunity for you all to embrace this because it's important. It's really important because you've got an opportunity, a lifetime opportunity. There's a lifeline offered to you. So take it with both hands. Bobby, can you intervene to translate something in? Leadership indeed becomes a challenging job. If managers do not understand their employees well, you can't make employees work by scolding them, hey, what the hell is going on with you, get the tea. It doesn't work that way. You know, you talk to somebody with love, respect, and dignity. If you don't have all those attributes in you, then you have a very weak leader. Do not respect. We all are human beings in this planet. We are all God's creation. But if we don't respect one another here, we are absolutely nothing. So when we walk out from this particular meeting, just embrace one another and tell them how much you love them. Because when you do that, you are opening your heart and you're showing respect of another human being. Whether I'm a leader, whether I'm a manager, I want you to work in total harmony. So in other words, if I give you instructions, I expect it to be carried out, but the message must be conveyed with respect, with mutual respect, respect and love. If we don't have all that, what's the point? Then you might as well join people on the street. We are coming here to learn skills development. Why? Why are you learning the skill development? To improve your life so that you earn an income and provide a shelter for your family. So if you don't have all that, so where are we heading for? Well, let us go to some of the challenges in leadership. A leader needs to basically inspire people. You know, a good leader inspires people. Like Mr. Khan indicated to me a short while ago. With so much of love, he said, when people come and approach this institution, they're not just turned away. They're given an opportunity to learn a skill.
show me somebody that does it on the street or any other institution that's doing it. But he told me that when people come, they are scrutinized, they are checked for proper references before they are even given. Let's go. I passed through some of the learning, people learning how to repair cell phones, is it? And to me, I never found this in Durban. And there's an institution right here, right here, that actually helping others to repair so that they can help a plate of food on the table for the family. Where do you find this? Where do you really find this? I haven't seen this anywhere in the world, but I'm seeing it with my own eyes in Lucknow. It's happening right now. To me, it's an eye-opener. And I've seen also young girls, embroidery, you call them? Self-embroidery. Yeah, self-embroidery tailoring. Tailoring and embroidery, or whatever you call it. But they're learning so that tomorrow they can walk out on the field bold, and you know, they can show the world they are earning a salary with that skill. Nowhere else they're getting that skill. And I also believe in maintaining. Don't expect your juniors to concentrate on the work if the boss are not serious about your work. Mr. Khan and Triveni Vijayankar. Triveni, they are serious. With so much of affection they got, what does that tell you? They care about you all. So that's what I feel about being leaders. They are the leaders. Forget about your prime minister. Forget about him. These are the leaders planted here in this institution to bring out the best in you. Y'all must take both hands and start running with it. Take it, and start running, because opportunity only strikes once. If you don't get that opportunity today, you'll never get it tomorrow. So you must, you know, tomorrow you will now become leaders, you'll become fathers, you'll become mothers. How are you going to tell your child that this is what I learned from the institution? But if you don't go to school, you can't get there. I'm going to tell you something. My grandson is 13 years old, and he goes to high school this year. And I tell you, the school that my daughter sent him was a very specialized school, but everybody can send their children to a school. He was able to debate, he was able to do involve in sport, he was able to other activities. Why? He can become an outstanding student. When he went for that interview for this particular school, I think the principal just closed his eye and said, no, he's accepted already. Because he's got the command of the English language. I don't speak Hindi, but he's got the command of the English language, because he's always learning at home. He reads books so that he can articulate himself to become a better human being. I hope I'm alive to see all these things. Just moving on. The best tool to overcome challenges in leadership is to understand the psychology of our subordinates. Now, an individual who is leading a team, like I've led a team, I led a team of roughly about 12 people that I trained on the radio. Almost every one of them that I trained left radio to join television. Now for me, when I sit back at home and I say, look at that guy there, I trained him,
stayed away as a leader telling it. I trained him because I made a difference in their lives. I wasn't rough with anybody. I spoke to my colleagues with love, with respect, dignity. And if you got all those attributes in you, you can only move forward. Those are the attributes that I've inculcated when I was a young boy. Also, I want to tell you a little story that I lost my father when I was 9 years old. And there was nobody in my family to help us reach the heights that I wanted to be. I wanted to become a doctor, but I never did. But my second calling was to be involved with journalism. I made it through. I really made it through. And my brother was 15 years old. You know what job he did? I'm not ashamed to tell you. He swept the streets of Durban to help put a plate of food on the table. Today, I've got a wife whom we married for 37 years. We worked together. She understood who I was. I understood who she was. But we respected one another. We were not violent, not rude. And, you know, I also believe, you know, you when you say something to your dear wife, you agree to disagree. And most time it happens. But 37 years later, I can tell you, we are still here together because I got a good wife when I was still in hospital. She was at my bedside. And I was dying there. She was at my bedside. Doctor, you know better about operations. I don't have a colon. I don't have an appendix. Appendix, is this right? No. Kidney, I spare appendix, right? I don't have that. It's out. Dialysis stopped working in my body. Multi-organ failure. But there was a God up there. Gave me a second chance to come and tell you all that there is a God. And you believe in yourself. If you don't believe in yourself, you're not gonna move forward. You can have so many leaders, you can have so many, you can come across so many challenges in life, many, many challenges in life. But if you don't believe in yourself, that I can overcome, I can do this, I can. You know, they say something in life, what is yours. What you work for, you can achieve. But you've got to put your mind to it. If you don't do that, you're not going to get anywhere. So I also believe, you know, sometimes when our bosses tell us something, they kind of behave like the German leader, Hitler. Is his way or the highway? We don't want to go that route. We want to follow your heart, because you can achieve and get many things going in the process. I'll say the next step to overcome the challenges in leadership is to encourage open communication among friends. I'm saying that you're studying some course. If you don't talk to your friend about it, you wouldn't get to know about it. Have you noticed today that each one of us here got a mobile phone in the pocket? Yes. Do you agree? Do you guys ever agree with me? Yes, sir. Yes, sir. How many times have you seen your friend is waiting for him or her to talk to or whatever it is. But immediately thereafter you'll find
you know, their heads are tucked into the phone and they forget about their own friends. Life is about communicating. If you don't communicate effectively, we are nothing. You can learn a lot from Virat Kohli, you know that? As India's top batsman. Am I right? Yes, sir. But you know what? I haven't seen him on the phone. Maybe you all seen him. I haven't seen him on the phone. Talking to his dear one. Because he was concentrating on winning the game for India. I mean, do you guys agree with me? Why don't we learn some things that I haven't learned myself? That we have spouses, we have friends, we have leaders. Bobby is my editor. Well, you know, Rahul is one of the other editors. And what I'm saying to you, we communicate. Yes, this is the most effective tool in the field of communication. Yes, I agree. But come the time, you have to put that in your pocket and just talk. That's effective communication. Because when you talk to one another, you can understand the human being. Instead of shouting, oh, what the hell, you on the phone? Get off the phone, you know what I mean? Don't you get that sometimes you when you walk to a shop and you find that happening? You know, sometimes you find the boss is shouting at one of the workers, probably in Hindi or something. I mean, it's quite offending, right? I haven't spoken to any of my staff in a rough tone. Because I feel if you're civil towards somebody, you're going to get back the same results. If you're civil to everybody, sometimes you know you'll notice someone got a serious problem and they want to discuss it with you. And if you don't discuss it with them, you lost the golden opportunity of saving a life. The person can either commit suicide or some disaster could happen. And I'm sure you must have heard all this. Moving on. Leadership is a process by which any boss, for that matter, can direct or guide and influence the behavior and work of others. If we don't learn from our leaders, then on numerous occasions, on many occasions, you'll find the worker is telling the boss, they have a total of this is the boss. Or I know everything. How many times have you, I know everything, but know nothing? Because with the job that we do in terms of communication, to learn the ethics of journalism, how we communicate effective journalism, be it radio, be it on news. I believe effective communication, and you'll find sometimes social media has overtaken the mainstream media. Because the streamlining stuff on social media already without verified facts. Do you believe some of those facts? Okay. Sometimes you can't believe those things, but for us as journalists, God will tell you better as well, that our facts got to be verified. As leaders, we got to set examples to other youngsters that our facts need to be checked. That when you go out on radio, or in fact on radio, when you go out on radio, you only have one chance on radio. There's no two chances, only one chance. So when you talk on the radio, if Modi is telling something very, very important,
example of missiles coming through from North Korea, and Donald Trump, U.S. President, calling him the rocket man. Now you got to think and ask questions. Is this happening actually? So we have to verify the levels. And that is very, very, very important. It is also important to, in terms of capacity for visions. Leaders have every right to motivate every member, each one of you. If you guys are not sure of anything, speak to Mr. Khan, speak to Madam G. I don't know anything. Can you help? Find out. You can always learn a lot. If you don't find out, you will never get to know. Me, every day is a learning curve. Never too old to learn anything. Never too old to learn anything at all. So if you learn something today, hey, learn something and teach me something tomorrow. I'm also willing to learn. According to Keith Davis, leadership is the ability to persuade others to see, define, objectively, enthusiastically. It is a human fact which binds a group together and motivates it towards a set goal. The characteristics of leadership is an interpersonal process. In which a manager is into influencing and guiding workers towards attainment of certain goals. So in other words, there is a set of communication. These are the rules set on by management. It filters down, it comes up from the top, it comes down to the manager, and it comes down to the worker. Now, when you learn something here at the skills development, I always believe that we are learning something new every day. What you learn here, sometimes it may not be the same what you learn outside there, okay? Sometimes the dynamics obviously changes. So you got to adjust. Tell your heart, teach me something, and it can change. He also knows that the few qualities to be present in a person, which includes intelligence, I indicate that education is very important. And of course, you've got to be maturity, and you've got to have a very strong personality. If you go for a job with your skills, if you don't portray yourself, if you don't have a strong personality, you're not going to get a job. It's despite your skills. In other words, you've got to market yourself. In other words, you've got to market yourself with all the skills that you've got. So in other words, you've got to be the best. If I'm your boss, these are the attributes that I look for. Communication skills. Think about education. What you learned at this institution. How are your lectures? They give you a good grounding. Because the bosses, at the end of the day, they want all those things. Because they got no time, really no time to waste. They want the job done. So you got to have a very powerful CV when you get there. So in fact, Mr. Modi's government says, you know, I want Mr. Ashok Kumar Ramsarup to come over and work for me and all that. Come with me and work in the communications. If I don't have a powerful CV, how can I market myself? You've got to market yourself because you have the ability, have faith in yourself. If you don't have faith in yourself, you can't move it. So you've got to have faith to take one, two steps forward
and the stakeholders goals. A good leader also is involved in perhaps shaping and molding the behavioral pattern of work ethics, helping the boss how to move forward in the business thing. Maybe you have a better plan. What you're learning in this institution here, you may have got a better plan to take to market to your bosses. So when you come for an interview, you know how to market your product. That's what your skills training is all about. They teach you all these things, not for sweet. They teach you so that tomorrow you can walk out and get a job. Well, the quality is a good leader. Of course, a leader has a very good multi-dimensional trait in him or her, which makes him appealing, as I said earlier, and effective in behavioral patterns. Following are the requisites of a good leader: physical appearance, like Mr. Khan can see, physical appearance, Mr. Khan. A leader must have a pleasing appearance, physique and health are very important for a good leader. Obviously, you've got to have a vision, you've got to have a foresight. As I explained earlier, you've got to have a vision, you've got to have a foresight. If you don't have those attributes, you can't move forward. And the best way is to do is to talk to people. If you're in the same course, you're in the same subject that you're involved in, have a discussion. If your lecturers are not here, then have a discussion and talk about skills development as well among yourselves. Maybe you have a bright idea and you can still add it to me. And I can buy the idea as well. And of course, one of the most important traits is communicative skills. You've got to be able to communicate with people. If you don't have that, we are sweet. So, I think we have a right to learn, understand, and portray ourselves. And one of the main objectives is, a leader has to be having a very fair outlook, which is free from bias, and we do not reflect his willingness towards a particular individual. I think we can learn a lot from that. Sometimes we can say, you know what, we have a lot of bright ideas, my boss won't listen to me. But if you have a discussion over a cup of tea, you can sell your idea to your boss. What I can think is the difference between leadership and management. And leadership differs from management in the sense that management wants you to make the maximum profit possible for an organization, while the leader gives you instructions and directions to reach that goal, be it buying or buying or selling. So that's one of the things that we need to learn, and only the skills on that. I'm not going too much. While managers lay down the structure and delegate authority and responsibility, leaders provide directions by developing the organizational vision and communicating it to the employees and inspiring them to achieve it. While a leader gets his authority from his followers, a manager gets authority by virtue of his position in any organization. While managers follow the organization's policies and procedures, leaders follow their own instincts. Management is more of science, and a manager is exact, time-standard, logical, and more open-minded.
leadership on the other hand is an art, is an organization, is a manager required, and leaders are a must and very, very essential. What are the challenges in leadership? Being a leader is not a easy cakewalk. In fact, to be very honest, managing people is one of the most challenging tasks. You really need to extract the best out of your team members and handle them, even in the worst situations. We all want to lead a team, but if you ever realize what are the challenges faced by a leader, remember, a leader is just like the captain of a ship like Virat Kohli. One wrong decision and the entire blame comes on him. On that note, I would conclude and thank you for the lovely audience. Thank you for listening to me. I want you to become better. And remember one thing, you can become a prime minister. So set goals. I guarantee you tomorrow when you walk, where are being religious? You can sit with your leader, man. Don't be shy. Believe in yourself. थैंक यू सो मच प्लीज हैव अ सीट और मैं हिंदी में जल्दी से कुछ बातें बताऊंगा जो इन्होंने बताई है उसी का अनुवाद है क्या चल रहा है हाँ तो उन्होंने देखिए एक तो मूल बात कही थी हमारे आपसी संबंधों के बारे में कि हम लोग आपस में टीम वर्कर आप अपने सहकर्मियों के साथ और अपने जो आपके वरिष्ठ सहकर्मी हैं आपके बॉस हैं और आपके जो जूनियर हैं आपसे जो संस्थान में जिस जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो आपके जूनियर हैं जो आपके सीनियर हैं और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनसे हमारा कम्युनिकेशन कैसा है हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करते हैं या किस तरीके से ट्रीट किस व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में क्या विचार रखते हैं कि जब हम लोग अगर उनको इज्जत से नहीं ट्रीट करेंगे तो इज्जत हम लोग को भी नहीं मिलेगी तो उनकी ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग आपस में सहकर्मियों के साथ और सीनियर्स के प्रति श्रद्धा रखें और जूनियर्स के प्रति भी सम्मान से बात करें कि जैसे प्रोफेसर रमाकांत साहब ने बताया था कि हम सब सोल हैं और सोल क्या बैड सोल होता ही नहीं दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था कि डेवलपिंग स्किल जो आप यहाँ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि हम लोग को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह होना चाहिए आज जो आप सीख रहे हैं हो सकता है 5 साल के बाद रेलिवेंट ना रहे तो और आपको अपनी स्किल अपडेट करनी पड़े और 10 साल पहले मुझे याद है 10 साल पहले तक तो कम से कम हमारे यहाँ हम लोग कैसेट यूज किया करते थे गाने सुनने के पहले जब मैं बहुत छोटा था तो डॉक्टर साहब के पास हमारे फादर के पास वो बड़े बड़े रिकॉर्ड हुआ करते थे ठीक है आप जमाने देखिए वो इक्विपमेंट वो इंडस्ट्रीज जिसने सीखा नहीं नया काम वो पूरा आउटडेट हो गया जब ठीक है तो आपको ये भी बहुत जरूरी है कि समय के साथ नई स्किल्स नई अप्रोचेज नए टूल्स उस तरह आपको अपने आप को अपडेट भी करते रहे ऑलवेज बी अ स्टूडेंट हमेशा और इसमें कभी हमें शान नहीं रखनी चाहिए कि हमें सब आता है दो उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट मंत्र बताए एक मंत्र ये कि नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प उसका मतलब ये है कि अगर आपको जरा सा भी संशय है कि ये काम सही हो सकता है गलत तो हमेशा अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि सर इसको कैसे करना चाहिए या मैडम इसे कैसे करें जिसमें मुझे डाउट है कि इसमें क्योंकि मेन गोल क्या है मेन गोल ये है कि काम सही होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई कामों में सिर्फ एक मौका मिलता है उन्होंने कहा कि रेडियो में जब वो लाइव होते हैं तो सिर्फ एक मौका मिलता है जो कह दिया वो गया ब्रॉडकास्ट हो गया डॉक्टर रमाकांत साहब सर्जरी कर रहे हैं एक मौका मिलता है ना क्योंकि सर्जरी लाइफ सेविंग सर्जरी तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोग नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प सेकंड उन्होंने कहा कि नेवर हेजिटेट टू हेल्प जब आप देख रहे हैं कि आपका जूनियर गड़बड़ कर रहा है वो नहीं जानता वो गड़बड़ कर रहा है लेकिन आप अनुभव से जानते हैं कि वो अगर नहीं मानेगा तो गड़बड़ होगा तो अगर आप उससे सम्मान के साथ उसको सही बात बताएंगे कि देखो भाई इस तरह से तो हो सकता है कि मेन लक्ष्य क्या है आपके संस्थान का कि काम सही होना चाहिए
डॉक्टर साहब सर्जरी कर रहे हैं, वहां पे हर नर्स, हर डॉक्टर, हर जूनियर सीनियर डॉक्टर, हर कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी का क्या लक्ष्य है कि मरीज सही हो और अच्छे से घर जाए, ठीक है ना। तो अगर मेन लक्ष्य पे निगाह रखेंगे तो जो छोटी मोटी बातें जो हम लोगों को तोड़ती हैं वो फिर बेमायने हो जाएंगे। तो इन्होंने ये टीम वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने अपनी जीवन गाथाएं बताई थी कि वो भी उनके बहुत ही कम उम्र में उनके फादर का देहांत हो गया था, तो उनके भाई जो 15 साल की उम्र पे थे डर्बन की स्ट्रीट पे, उन्होंने कहा पढ़ाई छोड़कर डर्बन की स्ट्रीट पे झाड़ू लगाने निकले कि जिससे कि परिवार का पालन पोषण हो सके और अशोक भाई पढ़ सकें और वो और आज वो इस ओहदे पे पहुंचे। तो कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं है, लेकिन आपको 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 ये बात का पूरा निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी और मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ भी दूंगा। अफ्रीका में, हम लोग अफ्रीका में है स्वास्थ्य को लेकर काम करते हैं, तो अफ्रीका जाना जाता है एचआईवी के लिए। लोग कहते हैं कि पार्टनर्स दिखते नहीं वहां पे, एक आदमी के कई सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सी और बातें बताई, यहाँ पे साक्षात उदाहरण मौजूद है। 10 जनवरी को 37th मैरिज एनिवर्सरी पैट राम स्वरूप और अशोक राम स्वरूप, 47th मैरिज एनिवर्सरी होने जा रही थी या होगी, ठीक है। आप सोचिए, यहाँ पे एग्जांपल बैठे। दूसरा एग्जांपल बताएं, अफ्रीका में लोग कहते हैं हर बहुत सिगरेट शराब का सेवन है, अशोक भाई पैर बैठी हैं, एक बूंद शराब नहीं, नेवर टेस्टेड अल्कोहल, नेवर स्मोक्ड अ सिगरेट। प्रोफेसर रमाकांत बैठे हैं, नेवर नो सिगरेट, नेवर नेवर अल्कोहल। और डॉक्टर सर्जन केजीएमसी मेडिकल कॉलेज, इतना प्रतिष्ठित डॉक्टर, और डॉक्टरों में आप लोग और भी जगह देखते हैं, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात बहुत जरूरी है कि आप देखिए, लीडरशिप में यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल होंगे तभी आपका जो सहकर्मी है और आपके जूनियर है वो आपको सम्मान से दिखेगा और वो आपकी बात ज्यादा मानेगा। और ये बात एक और ने कही थी, किसने? आईफोन के फाउंडर कौन, किसने? एप्पल का कौन फाउंडर था? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का ये कहना था, यही एग्जैक्ट यही बात उसकी भी यही कहनी थी कि आपको बहुत जरूर, उसका ये कहना था कि जो विजन होता है एक संस्थान का वो तो बनाते हैं, एक टीम बनाती है, लेकिन जो लीडर होता है उसका काम होता है कि उसको बार बार रोजाना टीम मेंबर्स को रिमाइंड कराना कि हम ये काम करने के लिए आए हैं और इसको हमें करना है। वो रिपीटेटर होता है विजन का और वो प्रोटेक्टर होता है विजन का कि लोग अपने विजन से ना इधर उधर हो। कि अगर मान लीजिए दो सहकर्मी आपस में लड़ रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? संस्थान का। जो आप करना चाह रहे थे एज ए टीम वो नहीं हो पा रहा है। तो ये अशोक जी की बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने एक और बात बहुत बोली थी कि कई बार हम लोग आपस में अपने भय, अपने संशय आपस में शेयर नहीं करते। जब हम आपस में शेयर नहीं करते तो अक्सर कुछ लोग जिंदगी में जो चुनाव जो जो जिस तरह की जूझ से जूझ रहे हैं उससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन में जाने के साथ की बात अफ्रीका में भी और इंडिया में भी सुसाइड तक का लक्षण तक हो जाता है। तो ये बहुत कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप सम्मान के साथ दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, ना सिर्फ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, बल्कि आत्मीयता के साथ अगर मिलेंगे भी साक्षात तो भी आप देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी और मैं बहुत ये बहुत जरूरी थी कि बाहर काम के लिए तो आपको अपने आप को मार्केट करना है। और मैं दो चीजें उसमें जोड़ता हूँ। जो रेवलॉन नाम सुना है आप लोगों ने, रेवलॉन ये कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसका फाउंडर चार्ल्स रेवलॉन ने क्या कहा था मई 2017 में, मैं कोर्स में फैकल्टी था जॉन हॉपकिंस के, वहां पे चार्ल्स रेवलॉन ने कहा था, इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स। फैक्ट्री में तो हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, बट इन द स्टोर्स वी सेल होप। ठीक है, क्योंकि वो आपसे नहीं कहता कि लिपस्टिक ले लीजिए, वो आपसे ये नहीं कहता कि आप पाउडर और सेंट ले लीजिए, वो आपको ऐसी आपको उम्मीद देता है कि अगर आप उसकी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप बिल्कुल जबरदस्त लगने वाले हैं, जो भी आपका आइडिया है ना। लोग सिगरेट कंपनी आपसे क्या कहती है कि लो भाई ये खाओ पियो और इससे कैंसर वैंसर कराओ, ऐसा कहती है? नहीं, वो क्या कहती है? बिल्कुल फ्रीडम और आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल, विमेन लिबरेशन, वो आपको बताती है कि भाई तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो आप देखिए कैसे मार्केट करते हैं वो अपने आप को। वो गलत तरीके से मार्केट करते हैं, लेकिन हम सही तरीके से तो मार्केट करें। मेरा कहने का मतलब ये था, जो चार्ल्स रेवलॉन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टूथपेस्ट कंपनी कैसे मार्केट करती, वो आपको स्वस्थ दांत नहीं बेचती, वो आपको बेचती है मुस्कान, हेल्दी स्माइल, ठीक है ना। और ये बात बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे इसलिए मैं ये बात यहाँ पे लेके आया और मैंने जोड़ी है ये बात यहाँ पे जो अशोक जी ने नहीं बोली थी, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है कि हम स्किल नहीं मार्केट कर रहे हैं, हम जो वैल्यू एड कर रहे हैं वो मार्केट कर रहे हैं। तो आप उदाहरण के तौर पे
जैसे कि जो टूथपेस्ट, ये नहीं कर रहा है कि आप टूथपेस्ट लगाइए तो आपके दांत साफ रहेंगे या कुछ इस तरह की बात, वो कह रहा है वो हेल्दी स्माइल्स, ऐसी चीज जो आदमी एस्पायर करे, डिजायर करे। तो अपने आप को मार्केट करने में जरूरी है कि जो वैल्यू ला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, वो मार्केट करना है, ना केवल बेसिक टूल्स। टूल सबके पास है। अगर मान लीजिए ये क्लासरूम होती तो उस क्लासरूम में सभी बच्चे वही कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगी वो वही आएगी जो आप रिटेन करेंगे, जो आपके स्किल्स उभर के आएंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग के बारे में बोला था, विजन एंड फोरसाइट के ऊपर मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स वाली बात बहुत जरूरी थी कि बार बार रिमाइंड कराते रहना अपने आप को कि आपका विजन क्या था। और जब आप बड़े लक्ष्य के ऊपर आपकी निगाहें रहेंगी और आपको जहन में याद रहेगा वो, तो वो छोटी बातें और वो खत्म हो जाएंगी। और जब वो प्राथमिकता नहीं रखेगी तो आपका कम्युनिकेशन अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि दूर के फायदे के लिए आप छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देने वाले, क्योंकि आपको दूर की बात पर आपकी निगाह टिकी। दूसरी बात मैंने बोली थी, मैनेजिंग पीपल इज अ वेरी बिग चैलेंज। मैं अपने अनुभव से भी आपको बोल सकता हूँ, ये सबसे बड़ी चुनौती अगर आज हम लोग के सामने है, तो बाकी तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन मैनेजिंग टीम और ह्यूमन रिसोर्स इज अ वेरी बिग चैलेंज। क्योंकि कोई एक रामबाण उपाय नहीं है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। हम सब यहाँ बैठे हैं, सब बिल्कुल अपने आप में विशेष व्यक्ति हैं और यूनिक हैं। तो मैनेजिंग पीपल, और इसीलिए मैनेजिंग पीपल में वही वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सारे लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो एक विजन में अगर विश्वास रखेंगे, एक लक्ष्य में विश्वास रखेंगे, तो कहीं आसान हो जाएगा वो बात करना। जैसे स्टीव जॉब्स कहता था कि मेन विजन पे ध्यान रहना चाहिए। और स्टीव, आप लोग अगर स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ें तो आप हमेशा उसके सह, जो लोग उसके साथ काम करते थे तो वो लोग कहते थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर है, उसके साथ काम करना मुश्किल। क्यों? क्योंकि ही वाज ऑब्सेस्ड विद हिज विजन, उसको बेस्ट चाहिए था। और उससे देखिए कितनी सारी चीजें उसने चेंज करी। आज जितने लोग मोबाइल बिना बटन का मोबाइल लिया देखा होंगे सभी लोगों ने, वो किसी ने पहला उसने सोचा था कि एक भी बटन ही ना हो फोन, पहला फोन। तो ये बात अशोक राम स्वरूप जी का ये सारांश था। और इसी और कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो वो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड गाइस? ना किसी का कोई इसमें और जोड़ना हो, कैसा लगा ये बताना हो किसी को। तो फिर ये और ये यहाँ के इस सेंटर की ओर से, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ओर से, और हम सब लोगों की ओर से आज यहाँ पैट राम स्वरूप जी हम लोग बीच में हैं। तो इनको हम लोग दिस सर्टिफिकेट टू रिकॉग्निशन हियरबाय बेस्टोड अपॉन पैट राम स्वरूप इन एप्रिसिएशन फॉर कंटिन्यूड एंड परसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन स्पैनिंग ओवर डिकेड्स टू इंप्रूव नर्सिंग सर्विसेज एंड हेल्थ एंड और एक और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है जो हम लोग अवॉर्ड कर रहे हैं अशोक राम स्वरूप जी को। प्रोफेसर रमाकांत जी से मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोग दें। इस पे लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट अचीवमेंट इज हियर बाय बेस्टोड अपॉन अशोक राम स्वरूप इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कमिटेड और मैसेजेस बॉबी ने जिस तरह